अस्सलाम वालेकुम ऑल, आप देख रहे हैं कराची फूड बाय रबिया। आज हम बनाएंगे खजूर का केक, डेट केक, जो कि ब्लेंडर में हम बनाएंगे और उसका सिंपल तरीका है। मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। इसमें हमें हाफ कप ऑयल चाहिए, नॉर्मल आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इसमें आपको दानेदार चीनी ही यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर आप हाफ कप चीनी यूज़ करेंगे। 3/4 कप यानी कि एक कप में से आपको 3/4 कप जो है ना वो मैदा लेना है। 3/4 मेजरमेंट भी आते हैं, कप आते हैं, आप उससे भी ले सकते हैं, ठीक है। 3/4 कप आपने इसमें मैदा ले लेना है यानी कि फ्लोर। अच्छा, 1 टीस्पून आपने इसमें बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर लेना है। अच्छा, खजूरें मैंने ली थी 8, जो कि शीरे वाली खजूरें होती हैं, सॉफ्ट। 8 खजूरें लेकर मैंने उसको हाफ़ कप जो दूध लिया उसको गर्म किया, दूध को उसमें भिगो दी, ठीक है। 20 मिनट भिगोने के बाद वो ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको ब्लेंडर में इसको यूज़ करेंगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके साथ ही अब हम आपको इसको ब्लेंडिंग का तरीका दिखाते हैं। हमें इसमें 2 अंडे यूज़ करने हैं, जो कि अंडे हम ब्लेंडर में ऐड करेंगे, ठीक है। ओके चला, अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं हम ऑयल। 1/2 कप हमने ऑयल लिया था, ऑयल हमने इसमें ऐड कर दिया है। ऑयल के साथ ही हमने जो है वो शुगर इसमें ऐड कर दी। अच्छा, शुगर ऐड करने के बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडर में आसानी ये होती है कि दानेदार चीनी आप यूज़ कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म का यूज़ होना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। इसका दाने हम ख़त्म कर लेते हैं ब्लेंड करके। ओके, अब हम इसमें अंडे जो है, हमने 2 अंडे लिए हैं, ठीक है। 2 एग हम इसमें ऐड कर देंगे। ओवन को हमने प्रीहीट पर लगाया है, 5 to 10 मिनट्स हम 180 डिग्री पर इसको प्रीहीट कर लेंगे। हमने 2 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है ताकि बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो जाए इसका। 2 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरीके से जो है ना वो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे खजूरें, डेट्स, जिसका ये स्पेशली केक है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 20 मिनट तक आपको खजूरें ना नीम गर्म दूध में भिगो के रखनी है और उसके बाद ठंडा कर लेना, इसके अंदर गर्म ऐड नहीं करना है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। हमने इसको इतना अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है कि इसके अंदर कोई भी खजूर का चंक ज़्यादा बड़ा ना रह जाए, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। दो मिनट हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल के अंदर टेक्सचर को निकाल लेंगे। आप टेक्सचर इसका चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एक क्रीमी सा टेक्सचर आया है। ओके, मैदा जो फ्लोर हमने लिया है, मैंने इसको छान के रखा है, ठीक है। फ्लोर हम इसमें ऐड कर देंगे 3/4 कप और इसमें 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसको हम अच्छा हमें इसको बुरे तरीके से जो एक तरीका होता है ना, लाइक हमें फेंट रहे हैं जैसे, ऐसे नहीं करना है। जस्ट हमें एक ही डायरेक्शन में इसको मोल्ड करना है। इसको अच्छी तरीके से मोल्ड कर लीजिए। ओके, मिक्स मैंने इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से कर लिया है। ये देख लीजिए, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, एक नॉर्मल है, ठीक है।
तो अब हमने एक पैन लिया है, इस पैन को हमने बटर पेपर लगा लिया सो ग्रीस करके हम इसके अंदर सारा जो भी केक का हमने सॉल्यूशन तैयार किया है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। न्यू ईयर पे भी बना सकते हैं इसको आप, क्रिसमस पे भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसमें नट्स भी ऐड कर लें अगर आपको ज़रूरी लगता है तो कर सकते हैं। आप अच्छे तरीके से जो है बबल्स नहीं होने चाहिए, बबल्स को हमें ख़त्म कर लेना है। अब हम इसको बेकिंग के लिए रखेंगे ओवन में जो कि हमने प्री हीट के लिए लगाया हुआ है। ओके, ओवन को हमने प्री हीट कर लिया है। ट्वेंटी से 25 मिनट्स हम इसको बेक कर लेंगे और हम उसको चेक करेंगे किसी भी स्पून उसकी मदद से, नाइफ ले लीजिए आप या फिर आप टूथपिक ले सकते हैं, उसको चेक कर लीजिएगा। ओके जनाब, केक हमारा हो गया है बेक। इसको नाइफ की मदद से मैंने पहले भी चेक कर लिया था, दोबारा से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर आई है। ठीक है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको जो है वो डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन आप लोग ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को शेयर करें गाइस, कमेंट ज़रूर किया करें। कोई भी चीज़ अच्छी लगती है अप्रिशिएट करते हैं तो और दिल बड़ा होता है कि हम और अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। सो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि लोग सब्सक्राइब करें। केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने के बाद मुझे उसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, जैसे ही ठंडा होता है मैं आपको दिखाती हूँ। 5 से 10 मिनट के बाद जो है हमने इसको कट आउट डिश आउट करके हम उसको कट करके आपको दिखाएंगे। इसका फ्लेवर आप यकीन करें, डेट्स तो वैसे ही बहुत अच्छी हैं, सुन्नत रसूल है और हमारे मज़हब में और दूसरे मज़ाहिब में भी लोग बहुत पसंद करते हैं। खजूर का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, एक उसका अपना टेस्ट होता है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होता है। सो हमने उसी टेस्ट को जो है वो केक के अंदर मर्ज किया है तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोग ट्राई इसको ज़रूर कीजिएगा। ओके, हम इसको डिश आउट करते हैं, ये ठंडा हो गया है। बटर पेपर लगाने से ये होता है कि केक आपका इजीली जो है ना वो डिश आउट हो जाता है। ठंडा इसलिए कर लेते हैं ताकि वो जो नरम होता है ना केक बहुत ज़्यादा, वो अपनी सही जो है वो शक्ल में आ जाए। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ओके, आप देखिए ये बिल्कुल एक सॉफ्ट सा, बिल्कुल सॉफ्ट केक है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये आप इसको टी टाइम स्नैक में इजीली यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्थफुल है। इसमें शुगर हमने कम यूज़ की है, इंस्टीड ऑफ हमने इसके अंदर डेट्स यूज़ किए हैं क्योंकि खजूर का एक अपना टेस्ट होता है। ओके गाइस, मैं अपने हस्बैंड को टेस्ट करवा रही हूँ तो वो खाकर बताएंगे कि ये कैसा बना है। बहुत आला। अच्छा बना, बहुत आला। ओके, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये तो पास हो गया है केक, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा गाइस। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। टेक केयर ऑल, अल्लाह हाफिज़।